और आगे बढ़ेंगे। भोपाल से मिल रही है अगली खबर, जहां सदन में सीएम शिवराज सिंह का बयान सामने आया है। राज्यपाल के अभिभाषण पर कांग्रेस के आरोप पर उन्होंने कहा कि जो जबरदस्ती आंख बंद किए हैं उन्हें दिखाई नहीं देता, जो कान बंद किए उन्हें सुनाई नहीं देता, फसल बीमा नुकसान का मुआवजा नहीं दिया। जीतू पटवारी के ट्वीट पर सीएम शिवराज ने कहा है कि मध्य प्रदेश विधानसभा की गरिमामय परंपरा रही है, और आगे क्या कुछ कहा है आइए आपको सुनवाते हैं। उन्हें दिखाई नहीं देता, जो बहरेपन का ढोंग करते हैं उन्हें सुनाई नहीं देता, लेकिन कोविड की कठिन परिस्थितियों में प्रधानमंत्री जी के मंत्र आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश और वो बनाने के लिए जो कुछ किया गया है वो अद्भुत और अभूतपूर्व है। इतनी कठिन परिस्थितियों में हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर में कमी नहीं आने दी, अधोसंरचना के विकास के लिए विपरीत परिस्थितियां होने के बाद भी जब कांग्रेस की सरकार आई थी उससे 1.5 गुना ज्यादा खर्च किया है। फिर समाज के अलग अलग वर्गों के, विशेषकर कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराइए। हिंदुस्तान में पहली बार ये हुआ है कि फसल बीमा योजना का 7,618 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाला गया है। 3,000 करोड़ रुपया पहले अलग से आरबीसी 6-4 के अंतर्गत दिया गया था। 10,500 करोड़ से अधिक रुपए की राशि फसल के नुकसान के किसानों को मिली है, 49 लाख किसान परिवारों को। किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना अलग है। समाज के हर वर्ग के कल्याण के काम किए गए और उसी को रेखांकित महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में किया है। देखिए, मध्य प्रदेश विधानसभा की अपनी गरिमामय परंपरा रही है और महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को दलगत राजनीति से ऊपर उठ के सब सम्मान के साथ सुनते रहे हैं। केवल मीडिया में छपने के लिए, अलग दिखने के लिए, सस्ते पब्लिसिटी प्रोपेगंडा के लिए ये ट्वीट से बहिष्कार हो रहा है।